हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड ईयर की थर्मोडायनेमिक्स, और आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस यानी कि ऊष्मागतिक प्रक्रम। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ऊष्मागतिक प्रक्रम क्या होता है, किस हमारे ऊष्मागतिक निर्देशांक हैं, दाब है, आयतन है और ताप है, इनमें से यदि हम किन्हीं दो को परिवर्तित कर रहे हैं तो हम निकाय की अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि केवल दो के परिवर्तित करने से हम निकाय की अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसे हम ऊष्मागतिक प्रक्रम कहते हैं। अब जो ऊष्मागतिक प्रक्रम है ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे समतापी प्रक्रम है, समदाबी प्रक्रम है, समायतनिक प्रक्रम है, चक्रीय प्रक्रम है। तो उनको बारी-बारी से देखते हैं। पहला देखते हैं समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस, कि वह प्रक्रम जिसमें निकाय का ताप नियत रहता है, जैसे कि नाम से ही लग रहा है समतापी प्रक्रम, यानी इसमें निकाय का ताप नियत रहता है, परंतु जो दाब और ऊर्जा है वो क्या होती है, परिवर्तित होती है। तो जो ऐसा परिवर्तन है जिसमें निकाय की आंतरिक ऊर्जा क्या रहती है, नियत रहती है, और निकाय की आंतरिक ऊर्जा नियत क्यों रहती है, क्योंकि जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब हम क्या करते हैं समतापी प्रक्रम के लिए, हम एक सुचालक धातु से बना एक सिलेंडर ले लेते हैं। जैसे ये मैंने एक सिलेंडर ले रखा है यहाँ, और इसमें एक पिस्टन लगा देते हैं, और पिस्टन जो कि क्या कि घर्षण रहित है, यानी कि इसका कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब इस सिलेंडर के अंदर एक आदर्श गैस भरी हुई है, और पिस्टन से हम दाब लगा के इस गैस को क्या करते हैं, धीरे धीरे संपीड़ित करते हैं, क्योंकि गैसों को दाब लगा के संपीड़ित किया जा सकता है। तो इसको हम संपीड़ित करते हैं तो क्या होता है कि गैस से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, और चूंकि जो सिलेंडर है इसकी दीवारें क्या है, सुचालक है, तो ये जो ऊष्मा है ये सिलेंडर की दीवारों से वातावरण में क्या हो जाती है, उत्सर्जित हो जाती है। और जैसे जैसे हम पिस्टन पे दाब कम करते हैं, वैसे वैसे जो गैस है उसमें क्या होता है, प्रसार होता है। गैस में क्या होता है, गैस में प्रसार का गुण पाया जाता है। तो जैसे जैसे पिस्टन पे दाब कम करते हैं गैसों में क्या होता है, प्रसार होता है। और इसकी ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है। अब चूंकि सिलेंडर की दीवारें सुचालक होती हैं तो ये वातावरण से ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं। पहले ये क्या कर रही थी, जब हमने दाब लगाया था तो ऊष्मा को वातावरण में उत्सर्जित कर रही थी, अब ये क्या कर रही है, वातावरण से ऊष्मा को अवशोषित कर रही है, और जिससे जो ये निकाय है इसका ताप क्या रहता है, नियत रहता है, ताप नियत बना रहता है। क्योंकि ये जो निकाय है वातावरण से ऊष्मीय संपर्क में रहता है, यानी कि वातावरण से ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकता है। तो जो समतापीय प्रक्रम है उसमें निकाय का ताप क्या रहता है, एक समान रहता है। अब हम इसके लिए एक ग्राफ दे लेते हैं कि जो समतापी प्रक्रम है उसमें दाब भी आयतन भी के संबंध के लिए कि दो नियत ताप है उसमें टेम्परेचर T1 और टेम्परेचर T2, उनके लिए यदि हम ग्राफ खींचें तो हमें वक्र A और A'B' प्राप्त होते हैं, जो समतापी रेखाएं कहलाती हैं। जो ये AB और AB' है ये समतापी रेखाएं कहलाती हैं। और ग्राफ से आप देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर T2 है वो
अधिक होगा, यह दाब हो रहा है आयतन के बीच में मैंने ग्राफ खींचा है। अब जो एक मोल गैस के लिए यदि हम समतापी प्रक्रम में गैस के लिए अवस्था समीकरण निकाले तो वो होती है पी वी इक्वल टू एन आर टी, चूंकि एन का मान क्या है वन है तो पी वी इक्वल टू ये आर टी होता है। यदि जो निकाय का ताप है वो नियत हो तो जो पी वी है वो क्या होगा कांस्टेंट होगा, जो कि बोयल का नियम है कि पीवी की वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट होती है। अगर समतापी निकाय के एग्जांपल की मैं बात करूं तो गलनांक पर जो बर्फ का पिघलना है वो समतापी प्रक्रम का उदाहरण है, और क्वथनांक पर जल का जो वाष्पीकरण होना है वो भी एक समतापी प्रक्रम का उदाहरण है। और देखिये रुद्धोष्म प्रक्रम वो क्या होता है कि ऐसा प्रक्रम जो निकाय वह वातावरण के मध्य ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं करता, यानी कि इस प्रक्रम में निकाय का ताप क्या होता है स्थिर न रह के परिवर्तित होता है, परंतु जो ऊष्मा की मात्रा है वो क्या रहती है नियत रहती है, इसलिए रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। अब जो रुद्धोष्म प्रक्रम है ये वातावरण में पूर्ण रूप से विलगित होना चाहिए जिससे कि क्या हो कि ऊष्मा का आदान प्रदान इसमें ना हो। अब देखिए कि जो गैसें होती हैं उनको हम शीघ्रता से क्या कर सकते हैं संपीड़ित कर सकते हैं। अब संपीड़ित करते हैं तो गैसों में क्या होते हैं ऊष्मा में वृद्धि होती है, और जिससे क्या होता है गैसों का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे साइकिल का एग्जांपल लो, अगर जैसे साइकिल है तो साइकिल में जैसे हम पंप से क्या भरते हैं हवा भरते हैं, तो उसमें जैसे ही हवा भरते हैं तो क्या होती है वो गर्म हो जाती है, और गर्म होने से क्या होता है उसमें प्रसार होता है। जैसे मान लो साइकिल का टायर है वो जैसे कभी गर्मियों में क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर मिलता है तो गैसों में क्या होता है प्रसार होता है, और वो अचानक से क्या होता है फट जाते हैं। देखिए एक हम ग्राफ देखते हैं जो रुद्धोष्म प्रक्रम है उसमें अवस्था समीकरण होता है पीवी गामा इक्वल टू नियत, और जहां ये गामा है ये होती है सीपी अपन में सीवी, ये रुद्धोष्म निष्पत्ति है इसका मान नियत रहता है। अब जो रुद्धोष्म वक्र है वो इस तरह से आता है यहां प्रेशर है और यहां वी आयतन है। अब नेक्स्ट देखिए यहां आप देख सकते हैं जैसे स्टार्टिंग में जो आयतन है उसके साथ दाब में क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है, लेकिन जैसे जैसे आयतन बढ़ता जाता है उसके बाद जैसे जैसे आयतन बढ़ रहा है उस तरह से दाब क्या हो रहा है कम हो रहा है। नेक्स्ट देखिए समदाबी प्रक्रम आइसोबैरिक प्रोसेस की वह प्रक्रम जिसमें निकाय का दाब तो नियत रहता है परंतु ताप आयतन क्या होते रहते हैं परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे कोई गैस है, गैस में हमें पता है गैसे हैं, गैस में क्या होता है प्रसार और संपीड़न होता है, गैसों में दाब लगा के क्या कर सकते हैं हम उसका प्रसार या संपीड़न कर सकते हैं। अब इस कंडीशन में क्या रहता है कि जो गैस का दाब होता है वो नियत रहता है। समदाबी प्रक्रम का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जल का बर्फ या वाष्प में बदलना, इस कंडीशन में जो इनका दाब नियत रहता है और ताप और आयतन में क्या होता रहता है परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट प्रक्रम है सम आयतनी प्रक्रम कि वह प्रक्रम जिसमें निकाय का आयतन भी नियत रहता है परंतु दाब है ताप क्या होते रहते हैं परिवर्तित होते रहते हैं, और जो समायतनी प्रक्रम है इसमें जो दी गई ऊष्मा है वो उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि का काम करती है। समायतनी प्रक्रम का अगर मैं एग्जांपल लूं कि जो गैसों में होने वाला विस्फोट है, यानी कि जब इसमें गैसों में जो प्रेशर और टेम्परेचर मेरा नियत है प्रेशर और टेम्परेचर ये क्या होते रहते चेंज होते रहते, लेकिन इसका आयतन क्या रहता है
नियत रहता है। और लास्ट हमारा प्रक्रम है चक्रीय प्रक्रम, कि वह प्रक्रम जो अनेक अवस्थाओं से गुजरने के पश्चात पुनः वापिस उसी अवस्था में लौट आता है, वो चक्रीय प्रक्रम साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। यानी कि ये पी और वी में हमने ग्राफ खींचा है, हम समायतनी प्रक्रम के लिए भी ग्राफ खींच सकते हैं यहाँ छोटा सा, कि जैसे ये मेरा पी है इधर, ये मेरा वी है। तो यहाँ वी आई की जो वैल्यू है, वी की जो वैल्यू है, उस पे जो मेरा दाब तो चेंज हो रहा है, परंतु यहां अगर इसको मैं वी आई से डिनोट कर दूं, जो आयतन है, आयतन की वैल्यू नियत है। ऐसे ही ये जैसे ये कोई जैसे ग्राफ है जिसमें ये दो प्रोसेस हैं, कि इधर से जैसे कार्य वन और टू के बीच में मेजर करें और वैसे टू से वन के बीच में मेजर करें, तो ये साइक्लिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।